सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार श्लोके दुर्गा शिववाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विदायने कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः देव्युवाच शृणु देवा प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेश्च साधनम् मया तमेव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्रीदुर्गा वेद्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ज्ञानिनामभिजेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मिता हरसि वेदमजे जयन्तः स्वस्ते स्मिता मधिमदे शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखवयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवि नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वे च सर्वशक्ति समन्विते वयव्यस्त्रायिणो देवि दुर्गे देवि नमस्तुते रोगान् शेषानपहंसि दुष्टा रुष्टा दुःखामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विभानराणाम् त्वामाश्रितायाशयदां रयन्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कायम् अस्मद्भरि विनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गास्तोत्र शतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमाचरि आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्राजूलधारणि पिनाकधारणि चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्ररूपा चिताचिति सर्वमङ्गमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्दा भावनी भव्या 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 सदा गति
शाम्भवी देव माता च चिन्तारत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती अट्टाम्बर परिधान कलमञ्जेररञ्जनी अमेयविक्रमाक्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमणिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषागिरी विमलोत्कर्षणी ज्ञानप्रिया नित्या च बुद्धिता बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना निजुम्बजुम्बहननी महिषासुरमर्दनी मधुकेटवहन्त्री च चण्डमुण्डा विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवगादिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च केशवी युवती जति अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी गौररूपा महाबला अग्निज्वालारौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी वज्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं ब्रह्मणे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायमयमस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लवेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत्पर्यावक्त्वा पठे नाम जदाष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरेरपि राजानो दाधनां जान्ति राजश्रियमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तकुङ्कुमेण सन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलक्ष्ययन्त्रं विधिना विदज्ञ भवे सदा धारयते पुरारि भौमावास्यानिरामग्रे चन्द्रे रद्विषां गते विलक्ष्या प्रभणे स्तोत्रं सवे सम्भवा ओ इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ दिव्याह कवचम ब्रह्मि अनुष्टुभ छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सोक्तमातर बीजम् दिगवन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जगदयं परमं लोके सर्वरक्षाकरमिणां यन्न कस्याचिदाज्ञातं तन्मे ब्रूहि विदामः ब्रह्मवाच अस्ति गुणतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्
देव्यासुकवरं पुण्यं दर्शनश्च मामुने प्रथमं जालपुत्रे च तृतीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टयते कुष्माण्डे त्रितुर्दशकं पञ्चमं स्कन्दमादयते षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनादयमानसो शत्रुमध्ये गदारणे विष्णे दुर्गमे देव भरतः शरणं गता नादेशां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नाबलं तस्य पश्यामि रोगदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृदानूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवे रक्षते दानसञ्चय प्रेतसंसाधु चामुण्डापाराहि महिषासन ऐन्द्रिगैसमारूढा वैष्णवी गरुडासन माहेश्वरी विचारूढा कौमारेषु गुवाहन लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया क्षेत्ररूपरा देवी ईश्वरी विगवाहन ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणयोगार्या नानारत्नभजविता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या रोदसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिमलं च मुसलायुधं कीटकं तोमरं चैव पर्शुं वाचमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च चारङ्गायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्रायुधानेतदेवानां सहिताय वै नमस्ते सो महारौद्र महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणावतु वाराहि नैत्यां गडगदारणि प्रदेश्यां वारुणि रक्षद्वायभ्यां मृगवाहिनि उदेश्यां पातु कौमारि येषाणां ज्वलधारणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताद् वैष्णवे तदा एवं दर्शिनो रक्ष रामुण्डा च भवान जया मे जागृता पातु विजया पातु पृष्ठता अजिता वाम पार्श्वतो दक्षिणे च पराजिता शिवामद्योतनी रक्ष उमा मूर्ति व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्ष तिरस्मणि त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये शवघण्टा च नासिके शङ्खणि चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्गार्वासिनि कपालोकालिका रक्ष कर्णमूले तु शङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृदिकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारि कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुगं रक्ष वाच मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठभं च धनुर्धरि नीलग्रीवा वहि कण्ठे नलिकां नलकोबरि स्कन्धयोः गणगणि रक्ष बाहु मे वज्रधारणि हस्तयो दण्डनि रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नकांशुलेश्वरि रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरि स्तनो रक्ष महादेवि मनाजोगविनाशने हृदयदेवि उदरे शूलधारणि नावोचकामनि रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरि तथा पूतनाकामि काम्यं गुहे महिषवाहनि कट्यां भगवति रक्ष जानुनि विन्द्यवासिनि जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनि दुर्भयो नारसिंहे च पादपृष्ठे सुतेयसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्थलवासिनि
रूपं देहि जयं देहि जरो देहि द्विजो देहि रक्तबीजावले देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि शुम्भश्चैवनि शुम्भश्च धूम्रश्च मर्दनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि वन्दिताङ्गी युगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि अजिन्द्यरूपचर्ये सर्वशत्रु विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि सुवत्यो भक्तिपूर्वाब्धां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि चण्डिके सततं जयत्वाम् अर्चयन्ति वर्तिता रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि विदेहि दुःखसाम्राज्यं विदेहि वरमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि सुरासुरशिरो रत्ननिकृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि प्रचण्डचर्वग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि कृष्णेन संसुते देवि शाश्वतभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि हिमाचलसुधानारसंसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि इन्द्राणीपति सर्वाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि देवि प्रचण्ड दोर्दण्ड दत्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि देवि भक्तजनोताव दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि पर्णि मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि कारणे दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नर साधु सप्तशती सङ्ख्या परमाप्नोति सम्पदा ॐ अथ कीलकम् ॐ अचारिकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टवछन्दः श्रीमा सरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशतीपारङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाप्रदारिणे सर्वमेतद्यानीयामन्त्रानामभिकीलकम् सौविषेममवाप्नोति सदरं प्राप्य तत्परः सिद्ध्यन्दुचारणादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुवरां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रोरौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाम कृत्वा निमन्त्रयामार सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकाया तु तच्च गुप्तं चकारसा
समाप्तिर्न च पुण्यस्य ताम्यता विनियन्त्रणा स्वभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेव न संशया कृष्णायां वा चतुर्दश अष्टम्यां वा समाहिता ददाधिपतिगणनादि नान्यदेशा प्रसीदति इत्थारूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायिनां नित्यं जपति संस्फुटम् सा सिद्धा सा गणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरा नाचैवाप्यर्थस्य भयं क्वापि हरायते नापमृत्युपशं जाति मृतो मोक्षं वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्येव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते सौभाग्यादिजगतिञ्च दृश्यते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनेस्तु जाप्यमाणस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्चिकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुहानि परो मोक्षः श्रूयते साणगञ्जनैः ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् आयि गिरिनन्दनि नन्दितमे विश्वविनोदनि नन्दनुते गिरिवरविन्दतराजनि वासन विश्वविनाशनि देशनुते भगवति हेतिकण्ठकुटुम्बनि भूरि कुटुम्बनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि I'm
Yeah.
श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पद्म स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिंदुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं।
ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਰ। ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ। ਅਭੀ ਆਪ ਸਭੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਕਤੋਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤਨਮਯਤਾ ਸੇ ਤੱਲੀਨ ਹੋਕਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋਕਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਇਸ ਦਿਵਯ ਪਾਠ ਕਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਆ। ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਸੇ ਆਪ ਸਭੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਠ ਕਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਸਵਯਂ ਪਾਠ ਕੀਆ ਹੈ, ਉਸੀ ਰੂਪ ਮੇਂ ਜਗਦੰਬਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕਰ ਆਪਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੋ ਪੂਰਨ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਮਾਤਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਏ ਵੀਰ ਹਤੇ ਜਗਦ ਉਪੇਤੀ ਸੁਖਮ ਤਥੈਤੇ ਕੁਰਵੰਤੁ ਨਾਮ ਨਰਕਾਯ ਚਿਰਾਯ ਪਾਪਮ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਮਿਤੁ ਮਧਿਗਮ ਦੇਵਮ ਪ੍ਰਯਾਂਤੁ ਮਤੇ ਦੀ ਰੂਨ ਮਹਿਤਾਨ ਬਿਨਿਹੰਸੀ ਦੇਵੀ। ਦੇਵੀ, ਇਨ ਰਾਖਸੋਂ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਸੁਖ ਮਿਲੇ ਤਥਾ ਯੇ ਰਾਖਸ ਚਿਰ ਕਾਲ ਤੱਕ ਨਰਕ ਮੇਂ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਭਲੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਹੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਮੇਂ ਮਿਤ੍ਯੂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕਰ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਮੇਂ ਜਾਏ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਯਹੀ ਸੋਚ ਕਰ ਆਪ ਸ਼ਤਰੂ ਕਾ ਵਧ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਟੇ ਕਿੰਗ ਨ ਭਵਤਿ ਪ੍ਰਕਰੋਤਿ ਭਸਮ ਸਰਵਾ ਸੁਰਾਡਰਿਸ਼ੁ ਜਤ ਪਹਿਨੋਸ਼ਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਮ ਲੋਕਾਨ ਪ੍ਰਯਾਂਤਿ ਰਿਵੋ ਵੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪੂਤਾ ਇਥਿਮ ਮਤਿਰ ਭਵਤਿ ਤੇਸ਼ਵਿ ਤੇਥਿ ਸਾਧੀ। ਆਪ ਸ਼ਤਰੂ ਪਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰੋ ਕਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਸਮਸਤ ਅਸਤਰੋ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਪਾਤ ਮਾਤ੍ਰ ਸੇ ਭਸਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਤੀ? ਇਸ ਮੇਂ ਇੱਕ ਰਹੱਸਯ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਤਰੂ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰੋਂ ਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਕਰ ਉੱਤਮ ਲੋਕੋ ਮੇਂ ਜਾਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨਕੇ ਪਤੀ ਵੀ ਆਪ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤਿਅੰਤ ਉੱਤਮ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਖੜਗ ਪ੍ਰਭਾ ਨਿਕਰ ਬਿਸਨੇ ਸੋਕ ਗਈ ਸ਼ੂਲਾਗਰ ਕਾਂਤੀ ਨਿਭੇਨ ਦੇਸ਼ੋ ਅਸੁਰਾ ਨਾਮ ਜਨ ਨਾਗਦਾ ਵਿਲਮ ਸ਼ੋਨੰਦ ਖੰਡ ਜੋਗਿਆਣਮ ਤਬ ਲੋਕੇ ਤਾਮ ਤਦੇਤ। ਖੜਗ ਕੇ ਤੇਜ ਪੁਣ ਕੇ ਭਯੰਕਰ ਦੀਪਤੀ ਸੇ ਤਥਾ ਆਪਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਕੇ ਅਗ੍ਰਭਾਗ ਕੀ ਘਣੀਭੂਤ ਪ੍ਰਭਾ ਸੇ ਚੌਂਦਿਆ ਕਰ ਜੋ ਅਸੋਂ ਕੀ ਆਂਖੇ ਫੂਟ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਸਮੇ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਥਾ ਕਿ ਵੇ ਮਨੋਹਰ ਰਸ਼ਮੀਓ ਸੇ ਯੁਕਤ ਚੰਦਰਮਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆਪਕੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ, ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਯੁਗ ਮੇਂ ਜਵੀ ਜਵੀ ਭਕਤੋਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਅਨਪੜ ਹੈ, ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਭਕਤੋਂ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੇਂ ਇਨਹੀ ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਅਨੰਨ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਣ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਨਕੀ ਸਤੁਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨਕੀ ਸਭੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕੋ ਪੂਰਨ ਕੀਆ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੇਂ ਵੀ ਐਸੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਯਹੀ ਕਟਰਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੰਸਾਲੀ ਨਾਮਕ ਗਾਓ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਨਾਮ ਜੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਅਨੰਨ ਉਪਾਸਕ ਥੇ। ਸੁਬਹ ਪ੍ਰਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮੂਰਤ ਮੇਂ ਉਠਣਾ, ਸਨਾਨ ਨਿਤ ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਬੰਧ ਸੇ ਨਿਵ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਾਓ ਕੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਨਿਆ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਨਕਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਨਕਾ ਜੋ ਉਨਕੀ ਨਿਤ ਚਰਿਆ ਥੀ। ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਸੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਵਯਂ ਭਗਵਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਨਿਆ ਕਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਨਿਆ ਮੈਂ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਜੀ ਪੂਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਉਨਕਾ ਦਿਵਯ ਸਰੂਪ ਥਾ, ਸਭੀ ਕੰਨਿਆ ਏਵਂ ਸਵਯਂ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਜੀ ਚਕਿਤ ਥੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੰਨਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਵਯ ਕੰਨਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਕੇ ਪਚਾਸ ਸਭੀ ਕੰਨਿਆ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਦਿਵਯ ਕੰਨਿਆ ਵਹੀਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਜੀ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਧਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਸੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੂੰ, ਅਭੀ ਤੂੰ ਇਸਕਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰ, ਭੰਡਾਰਾ ਕਰ, ਔਰ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਤੇ ਵੀ ਗਾਓ ਹੈ ਸਭੀ ਕੋ ਭੰਡਾਰੇ ਕਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇ ਦਿਉ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨਕੀ ਆਗਿਆ ਕੋ ਉਸ ਦਿਵਯ ਕੰਨਿਆ ਕੀ ਆਗਿਆ ਕੋ ਸ਼ਿਰੋਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਜੀ ਗਾਓ ਗਾਓ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਬੀਚ ਬੀਚ ਪੇ ਉਨਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਥਾ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਨਕੋ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਔਰ ਵੋ ਉਨਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਭੰਡਾਰੇ ਕਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣ ਲੱਗਤੇ ਥੇ। ਵਹੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕੋ ਜੋ ਆਪਣੇ 1008 ਸ਼ਿਸ਼ਿਓ ਕੇ ਸਾਥ ਵਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਨਕੋ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ ਕਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੀਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਗਾਣ ਲਗੇ, ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਜੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬੋਝ ਸਾਮਗਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਹੋਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੀ ਸਥਾਨ ਮੇਂ ਭਕਤੋਂ ਕੇ ਬੈਠਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਆ, ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੱਤ ਕਮੰਡਲ ਸੇ 56 ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਵੈਸ਼ਟੀ ਭੋਜਨ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਭ ਕੋ ਪਰੋਸਣ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੋ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਵਹੀ ਭੈਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਥੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਮਸੀ ਭੋਜਨ ਕੇ ਲਈ ਆਗਰ ਕੀਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੇ ਵੈਸ਼ਟੀ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਵੈਸ਼ਨ ਭੋਜਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗਾ। ਪੁਨਃ ਤਾਮਸ ਭੋਜਨ ਕੇ ਆਗਰ ਕੀਆ, ਜਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਤੋ ਕ੍ਰੋਧ ਮੇਂ ਆਕਰ ਭੈਰੋ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋ ਬਾਲੂ ਸੇ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹਾ। ਵਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਤਰਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਕੇ ਸਾਥ ਵਾਨ ਗੰਗਾ ਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਹਾਂ ਵਾਨ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਕੇਵਲ ਜੰਗਲ ਥਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾ ਪਰ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਨ ਦੁਆਰਾ
गंगा प्रकट की, जिससे इनको बाण गंगा के नाम से कहा गया। और वहीं माता जी ने अपने बाल भी धोए, जिससे बाल गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। आगे जाकर जहाँ चरण पाद का है, माता ने अपने चरण चिन्ह रखे जो अभी भी विद्यमान है, जिनका भक्त यान चरणोदक प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। आगे जहाँ गर्भ जून है, जहाँ पर एक शिला थी और वहाँ वाण लगाकर माता ने एक कंदरा बनाई, गुफा बनाई, उसमें बैठ करके 9 महीने तपस्या की। जिस प्रकार बच्चा माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, इसी प्रकार माता जी 9 महीने जाकर वहाँ तपस्या की, जिससे गर्भ जून के नाम से विख्यात हुई। भैरव जी ने देखा कि देवी अंदर तपस्या कर रही है। जब वो अंदर जाने लगे तो माता ने दूसरी तरफ से त्रिशूल द्वारा मार्ग बना करके यहाँ आकर के अपनी इन्हीं तीनों पिंडियों में जो समाहित हो गई। और लंगर वीर जी प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। भैरव देव जी आकर के अंदर जाने का आग्रह कर रहे हैं, लंगर वीर जी रोक रहे हैं, उनका युद्ध हो रहा है। माता जी सारी लीला जोग माया द्वारा देख रही है। जब वो नहीं रुके तो माता ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उनका शीश काट दिया, जिससे धड़ तो जहीं पर गिर गया और उनका शीश भैरव घाटी पर गिरा। अंतकाल में भैरव जी ने प्रायश्चित की भावना से माता जी के चरणों में गिर करके ये प्रार्थना की कि माँ, मैं बड़ा पापी था, मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? लोग आगे आने वाले समय में लोग मुझे पापी कहेंगे। माता जी का हृदय सदैव दया से भर रहता है। उसने माता जी को एक नहीं दो वरदान दिए कि जब भक्तजन मेरी दर्शन के लिए आएंगे, तब वो तेरे धड़ के ऊपर से होते हुए आएंगे, जिससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और फिर मेरे दर्शनों के पश्चात भैरव घाटी भाग्य भी आपके शीश के दर्शन करेंगे, जिससे भक्तों की यात्रा सफल जाया करेगी। तभी से भक्तों की परम धारणा बढ़ी रहती है और वे भैरव घाटी पर गिरे हुए इनके शीश के दर्शन करना नहीं भूलते और मन में जो परम धारणा करते हैं कि हमारी यात्रा सफल हो गई। उधर श्रीधर जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने माता ने सबको अपनी इच्छानुसार भोजन दिया, वैष्टि भोजन दिया, मैंने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। यही सोचते सोचते उनको ब्रह्म मुहूर्त में कहीं नींद आई और स्वप्न में देखते हैं कि माता रानी जी हंसाली नाम गाँव से जहाँ तक दिव्य पिंडियों का जो मार्ग है, सारा स्वप्न में दिखा रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न था, उनको स्मरण था और वो उसी रास्ते चल पड़े और जहाँ पर आकर के उन्होंने पहले माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती विधि पूर्वक पूजा की, उनको प्रणाम किया। और उसी समय इन दिव्य पिंडियों से माता जी की दिव्य वाणी प्रस्फुटित हुई कि श्रीधर, मैं जानती हूँ कि तू अपुत्री है, तेरे संतान नहीं है। अभी मैं तुझे एक नहीं चार पुत्रों का वरदान दूंगी और तुझसे ये आशा करूंगी कि आगे आने वाले समय में जो तेरा श्रीधर वंश ही मेरी पूजा करेगा। तभी से ये श्रीधर वंश है माता जी पूजा करता चला आ रहा है। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी है जिनको आयुनी के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल यहीं विराजमान होती, आपको शक्ति, ऐश्वर्य एवं ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही है। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप, और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती हुई परिक्रमा करती जा रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, जनावत ग्रहण करते हैं। और इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं, केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ह्रीं के चरण से आपको दूध, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, नेक कमाई, हर प्रकार की मनोकामना, घर, किसी देश वेश में सिद्धि मान प्राप्त होता है। क्लीन के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रुओं तथा रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती है। आइए इस निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवीचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवीचे।
ਕਨਿਆ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਘਰ ਮੇ ਵੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਾਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਸਕਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਏਕ ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਅਵਸ਼ਯ ਕਰੇ, ਜਿਸਸੇ ਤੀਨੋ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਕੋ ਸਵਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਔਰ ਆਪਕੀ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਚਲੇ। ਦੁਰਗਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ, ਆਪ ਆਏ ਹੋਏ ਸਭੀ ਭਗਤੋਂ ਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੇ ਸੁਨਜੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਏ ਹੈ ਸਭੀ ਪੂਰਨ ਕਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਵਰਦ ਹਸ ਸਦੈਵ ਆਪਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਪਰ ਰੱਖਾ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪ ਉੱਤਰ ਉੱਤਰ ਉਨਤੀ ਕੇ ਮਾਰਗ ਪਰ ਅਗ੍ਰਸਰ ਹੋਤੇ ਰਹੇ। ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਅਭੀ ਭਜਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਭੀ ਭਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਵਰ ਸੇ ਬੋਲਤੇ ਹੋਏ ਤਾਲੀ ਵਜਾਤੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਟੋ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਂਗੇ। ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਸੇ ਆਪਣੀ ਮਧੁਰ ਬੇਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਹੋ ਝੂਠੇ ਜੱਗ ਨੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਬਾਂ ਫੜ ਲੈ। ਝੂਠੇ ਜੱਗ ਨੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਬਾਂ ਫੜ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਂ ਫੜ ਲੈ।
पीड़ा हुण जांदियां ना चल मां बच्चियां तो पीड़ा हुण जांदियां ना चल मां ओ बच्चियां तो पीड़ा हुण जांदियां ना चल मां बच्चियां तो पीड़ा हुण जांदियां ना चल मां ओखा हुण लगदा इक इक पल मां ओखा हुण लगदा एक एक पल मां ओखा हुण लगदा इक इक पल मां ओखा हुण लगदा इक इक पल मां ओ एवें जाए ना जिंद हुण मुक मां पाए मेरी बां फड़ ले माई मेरी बां फड़ ले गया अंदरों ही अंदरों टूट मां माई मेरी बां फड़ ले वक्त दिया ठोकरा दिन परेशानियां वक्त दिया ठोकरा दिन परेशानियां वक्त दिया ठोकरा दिन परेशानियां ठोकरां दिन परेशानियां मंदियां नसीबां उते करन मन मानियां मंदियां नसीबां उते करन मन मानियां ओ मंदियां नसीबां उते करन मन मानियां मंदियां नसीबां उते करन मन सुख पता नहीं हो किथे गे ने लुकमा पाए मेरी बां फड़ ले सुख पता नहीं हो किथे गे ने लुकमा पाए मेरी बां फड़ ले ओ झूठे जग ने लिया मैनू लुटमा पाए मेरी बां फड़ ले झूठे जग नू लिया मैनू टूट मां माई मेरी बां फड़ ले गया अंदरों ही अंदरों टूट मां माई मेरी बां फड़ ले अंदरों ही अंदरी दिल मेरा टूटिया 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 इंज पिया लगे जीवे सा हुण मुकिया इंज पिया लगे जीवे सा मेरा मुकिया इंज पिया लगे जीवे सा हुण मुकिया इंज पिया लगे जीवे सा देरा ओ मिटा दे चंडे वाली जन्म दी भुख मां माई मेरी बां फड़ ले मिटा दे चंडे वाली जन्म दी भुख मां माई मेरी बां फड़ ले बां झूठे जग ने लिया मैनू लुट मां माई मेरी बां फड़ ले झूठे जग ने लिया मैनू लुट ਮੇਰੀ ਬਾਂ ਫੜ ਲੈ ਜੁਗੇ ਜਗਨੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਂ ਮਾਈ ਮੇਰੀ
एक भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जय कर श्री बोल सच्चे दरबार की जय। मैं फड़िया लड़ तेरा दाते मैं फड़िया लड़ तेरा मैं फड़िया लड़ तेरा दाते मैं फड़िया लड़ तेरा आसरा मेरा भरया लड़ तेरा दाती मैं भरया लड़ तेरा मैं भरया लड़ तेरा दाती मैं भरया लड़ तेरा मैं भरया लड़ तेरा दाती मैं भरया लड़ तेरा मैं भरया लड़ तेरा दाती मैं भरया लड़ तेरा सब बच्चिया दे कृपा कर दे सब बच्चिया दे कृपा कर दे मात भवानी संकट हर दे मात भवानी संकट हर दे सब बच्चिया दे कृपा कर दे सब बच्चिया दे कृपा कर दे बच्चिया वल फेरा दाते बच्चिया वल फेरा बच्चिया वल फेरा दाते बच्चिया वल फेरा मैं फड़िया लड़ तेरा दाते मैं फड़िया लड़ तेरा मैं फड़िया लड़ तेरा दाते मैं फड़िया लड़ तेरा सरा मेरा दाते गुरुआ सरा मेरा तुयो आसरा मेरा दाते तुयो आसरा मेरा Thank you.
को दबावे पापी मरणित पाप कमावे मन दी मैल धोई ना जावे मन दी मैल धोई ना जावे पापी मरणित पाप कमावे पापी मरणित पाप कमावे मन दी मैल धोई ना जावे मन दी मैल धोई ना जावे हो जाए दूर हरे राधाते हो जाए दूर हरे हो जाए दूर हनेरा मैं फड़या लड़ते राधाते मैं फड़या लड़ते ओ मैं फड़या लड़ते राधाते मैं फड़या लड़ते वासना मेरा दाते कुछ वासना मेरा ओ तुयो आसरा मेरा दाते तुयो आसरा मेरा करदार जा करदा मैं बन जावा सेवक दरदा मैं बन जावा सेवक दरदा घर ते लाया डेरा दाते घर ते लाया डेरा घर ते लाया डेरा दाते घर ते लाया डेरा पढ़या लण तेरा दाते मैं पढ़या लण तेरा मैं पढ़या लण तेरा दाते तेरी आस लगाई हुण ते आजा सावन माई हुण ते आजा सावन माई भगता तेरी आस लगाई ओ भगता तेरी आस लगाई हुण ते आजा सावन माई हुण ते आजा सावन माई हृदय करो बसेरा दाते हृदय करो बसेरा हृदय करो बसेरा दाते हृदय करो बसेरा मैं फड़या लण तेरा दाते मैं फड़या लण तेरा मैं फड़या लण तेरा दाते मैं फड़या लण तेरा वासना मेरा दाते तुझ वासना मेरा तुझो वासना मेरा दाते तुझो वासना जयकारा श्री भोल सच्चे दरबार की जय तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ कोई सुनाने तुझको आया हूँ
ऐसा जिसे कोई सुना दे तुझको आया हूँ। नहीं सुनता जिसे कोई सुनाने तुझको आया हूँ। नहीं सुनता जिसे कोई सुनाने तुझको आया हूँ। अब तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ। मेरे जो मैं तेरी नजर कर दूँ। नहीं आज कुछ मेरे जो मैं तेरी नजर कर दूँ। मगर एक आंसुओं का मैं फिरो कर हार लाया हूँ। मगर एक आंसुओं का मैं फिरो कर हार लाया हूँ। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर अंधेरा ही अंधेरा है। मेरी आशा की दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। मेरी आशा की दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। मेरी आशा की दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। जला दो आशा का दीपक तमन्ना लेकर आया हूँ। जला दो आशा का दीपक लेकर आया हूँ। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ। नहीं सुनता किसे कोई सुनाने तुझको आया हूँ। नहीं सुनता जिसे कोई सुनाने तुझको आया हूँ। तेरे दरबार जगदम्बे तेरे मैया ठाकर ठाकर जग की आया दर तेरे मैया ठाकर ठाकर जग की आया दर तेरे मैया ठाकर ठाकर जग की आया दर तेरे मैया। बचा लो मुझको दुनिया से बहुत ही मैं सताया हूँ। बचा लो मुझको दुनिया से बहुत ही मैं तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया।
सच्चे दरबार की जय। दुर्गे दुर्गति दूर करो मेरी, अम्बे चरण करण आया ते भैया। दुर्गति दूर करो मेरी, अम्बे चरण करण आया ते भैया। दुर्गति दूर करो मेरी, अम्बे चरण करण आया ते। करे तेरी मैया
शुभ संबत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु चैत्र मास की आज 3 प्रविष्टे हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष आज 10वीं तिथि है। शनिवार तदनुसार 16 मार्च सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। अब सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुना बुद्धि नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं भवपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो,
जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ अभी आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय जामाताओरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निशि दिन जावत मैया जी को निश दिन जावत हरि ब्रह्मा ओम जय
छोड़ कर चार दुनिया के धन चढ़ाई
माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, मेरे बोलो जय माता दी, हरे वेला जय माता दी, राधा वेला जय माता दी, आरती वेला जय माता दी, आप बोला दी जय माता दी, संत में डाली जय माता दी, मेरा कर दी जय माता दी, झोलिया भर दी जय माता दी, भरे खजाने जय माता दी, झोलाया ने जय माता दी, गोदा भर दी जय माता दी, वीर जनी जय माता दी, लाल जनी जय माता दी, माने सुनिया जय माता दी, बुच्ची बोलो जय माता दी, हाथ भी खोलो ताली बजा के जय माता दी, लोटा वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, सोनिया वाली जय माता दी, सुनिया वाली जय माता दी, सूढ़िया वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, मंदरा वाली जय माता दी, झटिया वाली जय माता दी, झटिया वाली जय माता दी, द्वारा वाली जय माता दी, भवना वाली जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, हाथ वाली जय माता दी, जग कल्याणी जय माता दी, मां महारानी जय माता दी, सिंधी रानी जय माता दी, वैष देवी जय माता दी, मां महाकाली जय माता दी, छप्पर वाली जय माता दी, शक्ति जनी जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, लक्ष्मी सवारी जय माता दी, हरे खजाने जय माता दी, हे सोलाया जय माता दी, सरस्वती जय माता दी, भक्तचारी जय माता दी, विद्यारे जय माता दी, ज्ञान नदी जय माता दी, बुद्धि नदी जय माता दी, शक्ति नदी जय माता दी, जय जय अम्बे जय जय अम्बे, 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 जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके
माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो रहि, यशो देहि दिशो रहि, सर्वमंगल मंगल्ये, सर्वमंगल मंगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनार्थ, शरणागत दीनार्थ, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थि हरे देवी, सर्वस्यार्थि हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। कृत में गुरु जी को वंदना,
खड़गम चक्र शुकाम चोरम संगम संगतिम करे महाकाली हन्तुं मधुकेतुं अक्षात परशुं गदेषु गुरुशं पद्मं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमशिञ्ज चर्मजलजं घण्टां सुधावादनं चोलं पादसुदर्शनेन हस्ते प्रसन्नायना सेवे देवहर्षने लक्ष्मी सरोजस्थिता घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायतम् अच्छा दीर्घदीर्घनाङ्कविलस श्रुता चतुर्यप्रभा गौरी देह समुद्भवान् प्रियकृतम् आधारभूतामः पूर्वा मात्र सरस्वती मनुमजे शुम्भादिजयि देव शान्ताकारं भुजगशयनं परमनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभानं लक्ष्मीकान्तं तमोनयनं ज्योतिर्विद्यानगं वन्दे विष्णो भवदयहरं सर्वलोकेन्द्रहारं हरे मुरारे वज्रद वार गोविंद गोपाल माखन किशोरे जानम हरे शरणम तजे विद्या हरे भगवन मोत्रे सत्या ज्योता वाली माता तेरी सदा पंचपूना रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार भी शांति देने वाली माता तेरी सदा खुला चुका माँ करने वाली माता तेरी लोक करा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो धर्म का विनाश हो धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो हर हर महादेव सनातन धर्म की जय गौ माता की जय गुरु सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय गुरु सच्चे दरबार की जय जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जय अंतिम स्कंद
हेलो